हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे इज आवर टॉपिक इज इंटरजेक्शन। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सबसे पहले इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो कि हमारी एक्सप्रेस करता है फीलिंग और इमोशंस को। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। ठीक है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ये सडनली। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सडन। ठीक है, ये भी हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है। तो अब देखते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अभी मैं आपको एक इजी तरीके से बता देती हूँ कि इंटरजेक्शन, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखवाती हूँ सोरो, सबसे पहले लिखते हैं जॉय, सोरो, सरप्राइज, कॉलिंग, अटेंशन, अप्रूवल, कि इनमें कौन कौन से इंटरजेक्शन यूज़ होते हैं। अगर आप एक साथ देख लेंगे ना तो आपको ज़्यादा ईजली समझ आएगा। पिछले मैंने सिर्फ एक एक ही बताया था। अभी कौन कौन से, जॉय के लिए कौन कौन से बताया था, हुर्रे, ये भी स्पेलिंग होती है HURRAH भी होती है। ठीक है, हुर्रा जैसे क्या होती है, हाँ हाँ, और क्या होती है इसके लिए, आलस, और क्या होता है, आ, आमी, मतलब दुख के लिए। और सरप्राइज के लिए क्या होता है, ओ व्हाट, गुड गॉड, गॉड हेवेंस, ये सब होता है हमारे सरप्राइज के लिए। कॉलिंग के लिए क्या होता है, हेलो, इट मींस अटेंशन ग्रैब करने के लिए या फिर किसी को बुलाने के लिए। हे, हो या ओला। ठीक है, अगर हमें अटेंशन के लिए किसी का ध्यान अपनी तरफ करना है तो हम क्या बोलेंगे, लिसन, लुक, बिहोल्ड, खुश। अगर किसी का अप्रूवल, इट मीन्स हमें अप्रूवल चाहिए तो क्या बोलेंगे, हमें देना होगा अप्रूवल तो क्या बोलेंगे, ब्रावो। अगर कोई बहुत ही अच्छा काम करता है हम क्या बोलते हैं, ब्रावो, वेल डन बोलते हैं ना, वेल डन माय चाइल्ड। ओके, तो ये मैंने आपको एक साथ लिखवा दिया, आप ये वाली लिस्ट भी बना लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि जॉय के लिए सोरो, सरप्राइज, कॉलिंग, अटेंशन, अप्रूवल के लिए कौन कौन से इंटरजेक्शन हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कौन कौन से इंटरजेक्शन होता है। अब हमें साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी बार डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का जो यूज़ होता है वो इंटरजेक्शन के फॉर्म में ही किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, हेडिंग लिखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड एज एन इंटरजेक्शन। कैसे यूज होती है, एज एन इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं नाउन को,
तो नाउन क्या होती है? कोई चीज, कोई नेम, वो नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, वो चीज़ क्या होती है हमारी? नाउन बोलते हैं उसको। जैसे लिख देंगे अ हाउस, माई एम्बिशन फॉर अ हाउस, माई एम्बिशन फॉर अ हाउस। अगर दूसरा लेते हैं प्रोनाउन, व्हाट अ चार्मिंग हेयर शी हैज, कैसे बोलेंगे? What a charming hair she has. Verb. Verb के लिए ज़्यादा ऊपर ही हो गया ना, मैं तो समझ नहीं आएगा। Verb के लिए verb क्या होता है? क्रिया, जो भी काम हो रहा होता है sentence में, तो कैसे होगा? Would that I were a king? Listen, listen. क्या हो सकता है? Would that I were a king? Listen, listen. मतलब सुनो सुनो। Next अगर हम देखें और क्या पढ़ा था हमने? Adverb पढ़ चुके हैं। तो एडवर्ब में कैसे यूज होगा हमारा एज एन इंटरजेक्शन? हाउ ब्यूटिफुल शी इज, हाउ ब्यूटिफुल शी इज। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, एडवर्ब भी पढ़ लिया। कंजंक्शन अगर हम देखें, कंजंक्शन जो हमने इससे पहले ही पढ़ा है, If I could be there, if I could be there, If I could be there मतलब क्या होता है? अगर मैं वहाँ हो सकता, तो ये क्या हो रहा है? If यूज़ हो रहा है, ये हमारे कंजक्शन होता है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज एन इंटरजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ पढ़े कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो यूज़ होता है वो इंटरजेक्शन की फॉर्म में कैसे किया जाता है, ठीक है? ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमने यही सब पढ़ा था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो का देख लेते हैं एक बारी। मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन का, ठीक है? क्या टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस? तो अगर देखूँ फर्स्ट टाइप कौन सा होता है इसका? प्राइमरी। सेकेंड होता है सेकेंडरी, सबसे छोटा। सेकेंड को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। थर्ड को क्या बोलते हैं? माइल। फोर्थ को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। देन वॉलेटिव विच इज वॉलेटिव, इमोटिव, कॉग्निटिव, डिस्कोर्स, मार्कर, इंजेक्शन। कौन सा होता है? डिस्कोर्स, मार्कर, इंटरजेक्शन। नाइन्थ को बोलते हैं फिलर्स। और टेंथ होता है हमारा, टेंथ
टाइप के होते हैं, तो लास्ट होता है पैरेंथेटिकल इंटरजेक्शन. क्या? पैरेंथेटिकल. इन सबके आगे क्या लगाएंगे आप? इंटरजेक्शन. तो टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन में क्या होता है, 10 टाइप्स के होते हैं. ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे. प्राइमरी, सेकेंडरी, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूटिव, इमोटिव, कॉग्निटिव, डिस्कोर्स मेकर, फिलर्स एंड पैरेंथेटिकल. एक एक करके हम सभी को समझेंगे, सब चीज़ों के, सब टाइप्स के एग्जाम्पल देखेंगे. तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.